नमस्कार। ज्ञान दर्शन इंस्टीट्यूट में आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं आज आप लोगों के लिए एक सैंपल पेपर लेके आया हूँ कि किस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करके करें हम। वास्तव में किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए हमें फंडामेंटल स्टडी की ज़रूरत होती है, और जब हम कोई फंडामेंटल स्टडी करें उससे पहले हमें इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपटीशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो आज मैं आप लोगों को एक सैम्पल पेपर दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया यही लगेगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन की तैयारी करें, किस तरह से आप कंपटीशन की तैयारी करें, और किसी भी कंपटीशन में जो सामान्य रूप से इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं तो क्वेश्चन का किस तरह से कॉम्बिनेशन रहता है। तो बेसिकली आज का जो क्लास है उसमें मैं एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक सैम्पल पेपर उठाऊंगा और उसको हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आप किस तरह से किसी कंपटीशन की तैयारी करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरल नॉलेज का पेपर आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें 25 क्वेश्चन है। इस जनरल नॉलेज के पेपर में थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट भी है जिसको मैं आप लोगों को जस्ट आपके आइडिया के लिए बताऊंगा कि देखिए कि क्वेश्चन नंबर पहला आया हुआ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि किस तरह से आकृति पूर्ण होगी। तो इस आकृति में ये जो क्वेश्चन मार्क का जो सेक्शन है उसमें 1, 2, 3, 4 में से कोई एक हमें सेलेक्ट करना है जिससे कि एक जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो सके। तो इस प्रश्न को आप खुद से ट्राई करिए क्योंकि इसको समझने के लिए आपको जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है उसकी प्रैक्टिस मैं आपको अलग से कराऊंगा। उसी तरह से ये देखिए एक आकृति, एक आप जैसे एक साड़ी का किनारा है, ड्राइंग है, तो यहाँ पे कौन सा इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें डालेंगे तो ये जो डायग्राम है वो कंप्लीट होगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में कौन सा अंक पूर्ण होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चार है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर चार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आंसर सहित, क्योंकि उन क्वेश्चंस में किसी भी प्रश्न का केवल उत्तर बताने से आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। और तो अब क्वेश्चन नंबर चार देखिए दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या है 81, 64, 49, 35, 25, 16। तो इसमें साफ है कि ये जितने भी संख्या है वो सब वर्ग संख्या है। 81 है 9 का स्क्वायर, 64 है आपका 8 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, और 16 जो है वो आपका है 4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो 35 है वो एक स्क्वायर संख्या नहीं है, एक वर्ग संख्या नहीं, तो इसमें गलत संख्या होगी आपका 35। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है स्वीप इज टू, बहारने का संबंध है किससे, डैश उसी प्रकार से जैसे धोने का संबंध साबुन से। द स्वीप इज टू ब्रूम, ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है और हम झाड़ू लगाते हैं साफ करने, बहारते हैं किसे, झाड़ू से रहते हैं। एंड वॉश इज टू सोप, धोते किसे हैं, साबुन से। तो इसका जो पहला जो सही आंसर होगा वो ब्रूम होगा आपका। इसी तरह से आप इसमें देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उस वर्ड को टिक करना है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को केवल सही आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो एडमिसेबल होगा, ADMISSIBLE। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से देखिए एक आदमी और एक औरत एक कमरे में बैठे हैं, या इसको हम इंग्लिश में पढ़े ए मैन एंड वोमेन आर सिटिंग इन ए रूम, मैंस मदर इन लॉ एंड वोमेन्स मदर इन लॉ और मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, मैन इज द ऑप्शन ए फादर, बी फादर इन लॉ, सी अंकल, डी ग्रैंड फादर इन लॉ। तो इसका सही आंसर जो है वो बी है, फादर इन लॉ। लेकिन इसको मैं आपको एक नए वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे हम रिलेशन निकालते हैं। तो
अभी के लिए इसका आंसर आप बी फादर इन लॉ नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, और जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम ब्लड रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं तो उसमें आपका फंडामेंटल क्लियर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 12 मिनट और 1 घंटे में क्या अनुपात होता है? तो बेसिकली व्हाट इज द रेशियो ऑफ 12 मिनट टू 1 आवर? तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 12 को 60 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/5। मंद का संबंध से उसी प्रकार से है जैसे तेज का संबंध है। तो देखिए मंद का संबंध मूर्ख से है उसी प्रकार से तेज का संबंध चमक से है, तो इसमें बी ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन चुनने हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहता है मुझे लगता है। ये यहाँ पे एक चीज़ देना चाहिए उसी प्रकार से, क्योंकि दो ऑप्शन का ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन में रहता नहीं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आउट इज वन, आउट को कोड में लिखा है, आउट को 152120 कोड में दिया जाता है, तो IN को क्या कोड दिया जाएगा? तो यदि आप ABCD का नंबरिंग करेंगे तो A की जगह 1, B की जगह 2, C की जगह 3, D की जगह 4 रखेंगे तो हम पाते हैं कि O का जो नंबर है ABCD में 15वां है, और आपका जो U है वो 21वें स्थान पे है, और T है 20 स्थान, मतलब O की जगह 15, U की जगह 21 और T की जगह 20, जो इसका ABCD जो है उसमें जो पोजीशन है उसके हिसाब से नंबरिंग किया गया है। तो पूछा है कि इसी के आधार पर IN को क्या कोड दिया जाएगा, तो I हम जानते हैं HI की होगा आपका 9, 9 देखिए इसमें से कहाँ पे है, 9 फाइल है, और N का पोजीशन है 14, तो इसका सही ऑप्शन होगा 914। इसके बाद अभी GK का क्वेश्चन आ गया है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में हाल में उजाला राष्ट्रीय लेड कार्यक्रम शुरू हुआ है? उजाला द नेशनल LED प्रोग्राम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड इन व्हिच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है भोपाल, इसका सही आंसर है भोपाल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12, भीतर कणिका अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, इसका सही आंसर है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिसको कि हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी कहते हैं, के लिए कौन से राज्य ने हाल में 10% आरक्षण का कोटा देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात, गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड या जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है। भारत और चीनी गणराज्य के बीच प्रभावशाली सीमा कौन सी है? तो बच्चों जैसे हम जानते हैं कि आप हमारा जो देश है भारत, तो हमारा भारत की जो सीमा विवाद है मुख्य रूप से दो देशों के साथ है, एक है पाकिस्तान के साथ जिसको हम बोलते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और दूसरा जो हमारा सीमा विवाद चल रहा है या हमेशा चलता रहता है वो है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन गणराज्य के बीच जो प्रभावशाली सीमा है उसको हम बोलते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कच्छ का रण उत्तर पश्चिमी गुजरात और की सीमा से लगे सिंध प्रांत में स्थित है? तो निश्चित रूप इसका आंसर होगा पाकिस्तान, कच्छ का रण उत्तर पश्चिमी गुजरात और पाकिस्तान की सीमा से लगे सिंध प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पाषाण युग के लोगों का पहला पालतू पशु कौन था? तो पाषाण युग जिसको द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक वॉज सिप या भेड़, यहाँ पे इस हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो पाषाण युग में लोगों का पहला पालतू पशु कौन सा था? भेड़ था।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र सौर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो परमवीर चक्र जो है वो भारत की सबसे बड़ी सौर चक्र है, और प्रथम परमवीर चक्र जो मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 19 देखते हैं, द लैंड ऑफ केक्स कौन सा देश कहलाता है? तो लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड कहलाता है। लैंड ऑफ केक्स कौन सा देश कहलाता है बच्चों? स्कॉटलैंड। इसके बाद एटीएम से तात्पर्य है, या इन बैंकिंग एटीएम स्टैंड्स फॉर, एटीएम हम और सभी यूज करते हैं पैसे निकालने के लिए बैंक से, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक, नो ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन। तो इसका ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सा क्षेत्र नदियों की भूमि कहलाता है? कौन सा क्षेत्र नदियों की भूमि कहलाता है? देखिए इसमें आप, इस प्रश्न में आप देखेंगे कि जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर सेटर होते हैं वो बेसिकली पहले क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में बनाते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं। देखिए गलती हमने यहाँ पे पकड़ी, विच रीजन इज ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसको बोलते हैं बच्चों? पंजाब। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन पेपर सेटर हैं उन्होंने एक थोड़ी सी जो फ्रांस थाईलैंड बांग्लादेश, तो यहाँ पे इन्होंने देश का नाम रखा है जबकि यहाँ पे एक राज्य का नाम दिया है। तो 5 नदियों का देश हमारे देश में पंजाब। टू किल ए मॉकिंग बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड पुस्तक के लेखक है हॉपर ली। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है बच्चों? हॉपर ली। अर्जेंटीना की राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है बच्चों? ब्यूनस एयर्स। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि जो महत्वपूर्ण देश हैं उनकी राजधानी हमें पता होनी चाहिए, साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से देश करंट में है या चर्चा में है, उन देश की राजधानी पूछी जा सकती है। तो एक सैंपल पेपर है जिसे हमें आइडिया लग रहा है कि आप कैसे तैयारी करें, और एक जो जीके का पेपर होता है सामान्य रूप से, तो उसमें किस किस तरह के प्रश्नों का समन्वय रहता है। तो अर्जेंटीना की राजधानी बच्चों आपने बताया भी, ब्यूनस एयर्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नंदलाल बोस, मंजीत बावा, तेज मेहता, इनका संबंध किससे है? तो बच्चों इनका संबंध है आपका पेंटिंग से, तो ये सब क्या है? पेंटर है, इसका पेंटर। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है? कथकली, मेघालय का बांस डांस, मयूर मंच का छो, पंजाब का भांगड़ा। तो इसमें से कौन सा नृत्य जो है वो आपका युद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। और बच्चों जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल पैटर्न है। बेसिकली हमारा उद्देश्य है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर से अवगत कराना, ताकि आप कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर सकें। और किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ मॉडल पेपर देखें, साथ ही हम सिलेबस देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, उसके बाद ही हम प्रिपरेशन करें तो हम अच्छे से कंपटीशन में अच्छे नंबरों के साथ सिलेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।